नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज जिक्र सरकार का प्लान, हाईकोर्ट का फरमा। एक नहीं दो चार ये बोले नाटक देखो। बदलते पौधे, बदलते दौर के साथ पर्यावरण को लगातार मिल रही चुनौतियों को देखते हुए धामी सरकार अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़े स्तर पर कार्य करने जा रही है। और इसी कड़ी में धामी सरकार राज्य की 5 नदियों के पुनर्जीवन पर कार्य शुरू करने की तैयारी में है। सरकार ने सौंग, पूर्वी और पश्चिमी नयार, शिप्रा और गौड़ी नदी का पुनर्जीवन के लिए चिन्हीकरण किया है। बताया जा रहा है कि राज्य में जल संरक्षण अभियान के तहत प्रथम चरण में 5 नदियों के पुनर्जीवन पर काम किया जाएगा। और एसीएसआ वित्त आनंदा वर्धन की अध्यक्षता में जल स्रोतों पर पुनर्जीवन प्राधिकरण सारा की बैठक में ये निर्णय लिया गया। और इसके तहत देहरादून टेहरी में सौंग नदी और पौड़ी में पूर्वी और पश्चिमी नयार, नैनीताल में शिप्रा और चंपावत में गौड़ी नदी को चुना गया है। इनके संरक्षण और पुनर्जीवन को दीर्घकालिक उपाय किए जाने हैं। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में गर्मियों के मौजूदा सीजन से इस बार 477 पेयजल स्रोतों में पानी कम हुआ है। और इसकी वजह से जल संस्थान के पेयजल सप्लाई सिस्टम का इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। और कांग्रेस ने सरकार के नदियों के पुनर्जीवन कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए नदियों को पुनर्जीवित करने के नाम पर केवल बजट ठिकाने लगाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने सरकार से श्वेत पत्र जारी कर रिस्पना नदी और कोसी नदी के पुनर्जीवन पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। और विपक्ष के हंगामे के बीच नैनीताल हाईकोर्ट में पर्यावरण संरक्षण को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। और इस दौरान कोर्ट ने पर्यावरण के संरक्षण पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सवाल यही है कि आखिर क्यों कांग्रेस को सरकार के नदियों को पुनर्जीवित करने के कार्यक्रम पर खोट दिखाई दे रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक नहीं दो चार ये बोले नाटक देखो। नैनीताल हाईकोर्ट में पर्यावरण संरक्षण को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बहारी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 माह पहले दिए आदेशों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की। मामले के अनुसार देहरादून निवासी अजय नारायण शर्मा, रेणु पाल एवं उर्मिला थापर ने हाई कोर्ट में अलग अलग जनहित याचिका दायर कर कहा कि देहरादून में सहस्त्रधारा में जलमग्न भूमि में भारी निर्माण किए जा रहे हैं। इससे जल स्रोत सूखने के साथ ही पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा है। दूसरी याचिका में कहा गया कि ऋषिकेश में नाले, खालों और ढांग पर बेइंतहा अतिक्रमण और अवैध निर्माण किया गया है। वहीं कोर्ट ने पर्यावरण के संरक्षण पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। देखिए, रेणु पॉल जो देहरादून की एक समाज सेविका हैं, अजय नारायण शर्मा और उर्मिला थापा, इन सब की जनहित याचिकाएं एक साथ क्लब करके माननीय उच्च न्यायालय सुन रही है, जो देहरादून की विभिन्न नदियों, जलधाराओं और देहरादून में जलवायु परिवर्तन, ये सारी जो चुनौतियां हो रही हैं इनके संदर्भ में है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश इसमें पारित किया है। वह ये है कि पूर्व में एक अन्य जनहित याचिका में 10 नवंबर 2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार से यह कहा था कि आप एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट बनाएं उत्तराखंड के सभी अर्बन एरियाज की। मामला शुरू देहरादून से हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए उसको उत्तराखंड कर दिया था। सारे अर्बन एरियाज का सर्वे कराएं, जो सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से कराना था मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार को, जिसमें जलवायु परिवर्तन की स्थिति, नदियों की स्थिति, नालों की स्थिति, गदेरों की स्थिति और एयर क्वालिटी, इन सब पैमानों पर एक विस्तृत सर्वे कैरी आउट करना था। और यह सर्वे प्रत्येक 2 वर्ष में होना था।
यह आदेश नवंबर 2021 का था। तो आज इसका उल्लेख करके माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार से बोला है कि जो मुख्य सचिव को एक्शन कैरी आउट करना था पूर्व के आदेश के संदर्भ में, उसका आज का स्टेटस क्या है। वहीं एक ओर जहां हाई कोर्ट ने पर्यावरण के संरक्षण पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम शुरू करने जा रही है। सरकार ने सौंग, पूर्वी और पश्चिमी नायार, सिप्रा, गौड़ी नदी का पुनर्जीवन के लिए चिन्हीकरण किया है। बताया जा रहा है कि राज्य में जल संरक्षण अभियान के तहत प्रथम चरण में 5 नदियों के पुनर्जीवन पर काम किया जाएगा। योजना के तहत देहरादून टिहरी में सौंग नदी, पौड़ी में पूर्वी और पश्चिमी नायार, नैनीताल में शिप्रा और चंपावत में गौड़ी नदी को चुना गया है। इनके संरक्षण और पुनर्जीवन को दीर्घकालिक उपाय किए जाने हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए नदियों को पुनर्जीवित करने के नाम पर केवल बजट ठिकाने लगाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने सरकार से श्वेत पत्र जारी कर रिस्पना नदी और कोसी नदी के पुनर्जीवन पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और सरकार भी इसको बहुत गंभीरता से इस टास्क को ले रही है, और यही एक बड़ा कारण है कि 5 नदियों को पुनर्जीवित करने की एक टास्क सरकार के द्वारा लिया गया है। और वहाँ पर जिस तरह से मैं सोचता हूँ पौधारोपण, वृक्षारोपण, और वहाँ पर जो नदियाँ एक समय पर 12 महीने 2400 घंटे चला करती थी और एक साफ पानी मिलता था, सिंचाई के काम आती थी, आज वो पूरी तरह से कुछ नदियां ऐसे हैं जो अपना स्वरूप ही चेंज कर चुकी हैं। उनको अपने पुराने स्वरूप में हम कैसे ला सकते हैं, उसके ऊपर सरकार युद्ध स्तर पर काम करेगी। और एक जो सरकार का जो एक मंतव्य है कि हमने पर्यावरण को स्वच्छ भी रखना है और पुराने समय में जैसे नदियां 12 महीने बहा करती थी उसी स्वरूप में लाने की, और हम लोग बहुत बेहतरी से काम कर रहे हैं। रूप से मैं सरकार से और प्रशासन से कहना चाहती हूँ, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, पूरी गर्मियों का सीजन निकल गया, लोग पानी की बूंद के लिए तरसते रहे, त्राहिमाम होता रहा पूरे प्रदेश के अंदर, कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक और जौनसार तक जो हालत थी पानी की किल्लत को लेकर, वो अपने आप में भूतो न भविष्यति, इस तरह का हाल पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन अब जब बरसात का सीजन आ गया है, जब सब तरफ पानी ही पानी होगा, तब आपको नदियों के पुनर्जीवन की याद आ रही है। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात सोची, ना आपने जल स्रोतों के सूखने का कोई संज्ञान लिया। जिस तरह से वाटर लेवल नीचे जा रहा था, ये अधिकारी जो है नागरिकों को तो बता दे रहे थे कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है, बट जल विभाग क्या कर रहा है उसके लिए, जल निगम क्या कर रहा है उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई कि आपकी क्या नीतियां हैं। और इससे पहले भी हमने त्रिवेंद्र सरकार में देखा कि पत्रकारों से और आम जनता से कहा गया कि आचमन योग्य बन जाएगा, अगली बार आके ऋषिपर्णा नदी में आप स्नान करेंगे। और आप आज हालत देख लीजिए, ऋषिपर्णा नदी की क्या है, बिंदाल नदी की क्या है, कोसी का क्या हाल है। तो जो पैसा आपने इनके ऊपर खर्च किया, पहले उसका ब्यौरा दीजिए, उसका आपने कितना खर्च हुआ और कितना आपने उनको पुनर्जीवित किया। इतने लाखों पेड़ों पर आपने खर्च किया, आपने पेड़ लगाने की बात कही, उनमें से कितने जीवित बचे, आपने कोई फॉलो अप नहीं किया। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गाल बजाने का काम करती है, और जब व्यक्ति त्रस्त हो जाता है उसके बाद ये नींद से जागती है और कोई काम करने की सोचती है। कुल मिलाकर बदलते समय ने लोगों को पर्यावरण के प्रति सोचने पर मजबूर कर दिया है, साथ ही जीवन में पर्यावरण की उपयोगिता को भी समझा रहा है। दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास तक सड़क चौड़ीकरण की चर्चा के बीच ही हजारों लोग पेड़ों को बचाने के लिए सड़कों पर आ गए, जो एक अच्छे संकेत है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों को काटना रुकेगा, क्या धामी सरकार राज्य की नदियों को पुनर्जीवित कर पाएगी, आखिर क्यों कांग्रेस सरकार इस योजना को बजट ठिकाने लगाने की योजना बता रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा इसी बात को लेकर कि जो धामी सरकार है वो फिलहाल अब थोड़ा थोड़ा सा
पर्यावरण को लेकर जो है गंभीर नजर आ रही है, जिस तरीके से इन 5 नदियों को चिन्हित किया गया है और पुनर्जीवित करने की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इसमें भी विपक्ष के ये आरोप हैं कि भाई अब बारिश का मौसम सामने आ चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी होगा, तो ये संज्ञान पहले क्यों नहीं लिया गया, इसको लेकर साथ ही बजट को ठिकाने लगाए जाने को लेकर भी ये आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। नवीन पिरशाली जी हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शेषपाल सिंह बिष्ट जी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभिजय नेगी जी हैं हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष गर्ग जी आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। शुरुआत आज अभिजय नेगी जी से करेंगे, क्योंकि 2022 में याचिका दायर की गई थी नैनीताल हाईकोर्ट में और इसको लेकर सुनवाई हुई और अब मौजूदा हालात पर अब राज्य सरकार से जो है जवाब तलब किया गया है, रिपोर्ट मांगी गई है। अब आगे क्या क्या कुछ इसमें रहने वाला है, ये आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। धन्यवाद सोनी जी कि आपने मुझे इसमें बुलाया है। तो देखिए, नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून घाटी के पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न जनहित याचिकाएं वर्तमान में गतिमान हैं, जिनमें 3 जनहित याचिकाएं हैं। ये एक उर्मिला थापा ने दायर की है, जो रिस्पना नदी में कच्छ जगह जहां अतिक्रमण हो रहा है, जहां पर नदी को काटा जा रहा है, उसकी विरुद्ध है। एक बिंदाल नदी के ऊपर है, जो मैडम रीनू पॉल ने दाखिल की है, जो बिंदाल नदी के स्रोत पर ही जेसीबी चल रहा है, अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और एक अजय नारायण शर्मा जी ने दाखिल की है, जो आईटी पार्क है देहरादून का, वो जिस जलमग्न भूमि के पास है, तो वहां पर जो जल स्रोत है, अगर आप देखते हैं मानसून में तो वहां पर काफी पानी आता है, ऐसे इलाकों के बारे में बात कर रही है और इनके संरक्षण के लिए बात कर रही है। तो इस बीच क्या हुआ था कि नवंबर 2021 में एक पूर्व की जनहित याचिका में, जो अजय नारायण शर्मा जी के द्वारा दाखिल एक अन्य जनहित याचिका थी, उसमें हाईकोर्ट ने डांडा लखौंड एरिया सहस्त्रधारा में जो है उसके पर्यावरण के संदर्भ में सुनवाई करते हुए उसका दायरा बढ़ा दिया था और उसको उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए कर दिया था। और पूरे प्रदेश के लिए करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश राज्य के मुख्य सचिव को दिए थे और उनसे यह अपेक्षा की गई थी वो इन दिशा निर्देशों का पालन करें। अब वो दिशा निर्देश क्या थे? सबसे पहले मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार को 10 नवंबर 2021 को यह निर्देशित किया गया था कि वो हर 3 वर्ष में पूरे उत्तराखंड के अर्बन एरियाज में एक सर्वे कराएंगे, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कैलकुलेट किया जाएगा कि एयर क्वालिटी कैसी है सारे शहरों की, जिसमें देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की सब शामिल है, एयर क्वालिटी कैसी है, वाटर क्वालिटी कैसी है, आपके कितने जल स्रोत बचे हुए हैं, आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। जैसे आप देख रहे हैं देहरादून में 43 डिग्री तक टेम्परेचर गया, तो ये सारी चीजों को उन्हें हर 3 वर्ष में रिपोर्ट तैयार करके ये मुख्य सचिव को अपने पास बुलानी थी और उसके बाद मुख्य सचिव को इस पर कार्यवाही करनी थी। और अनुच्छेद 19 में तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि जो इस पर कार्यवाही नहीं करते हैं अफसर, उन पर आप एक्शन भी लेंगे जो सर्वे के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति हो गई। तो जब कल इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, तब हमारी ओर से यह कहा गया कि उस पूर्व आदेश का क्या हुआ जो 3 वर्ष में ऐसा सर्वे होना था, क्योंकि वर्तमान में सरकार के पास कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने ऐसा सर्वे कराया नहीं कराया, सरकार ने ऐसी कोई रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में नहीं दाखिल करी। तो सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय से समय मांगा और उनको यह समय दिया गया है। अब वो बताएंगे कि ऐसे सर्वे कैरी आउट हुए या नहीं हुए, हर 3 वर्ष में एक बार होना था, 3 वर्ष जो है एक रिपोर्ट अभी तक आ जानी चाहिए थी और उसके बाद पर एक्शन होना था। और साथ साथ उर्मिला थापा की जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही 31 अगस्त 2022 को अपने एक अन्य आदेश में कहा हुआ है कि उत्तराखंड में जो आपकी जलमग्न भूमियां हैं उस पर बहुत ही बेहिसाब अवैध अतिक्रमण हो रहा है, जिस पर कोई रोकथाम नहीं हो रहा है। और रीनू पॉल की जनहित याचिका में बिंदाल नदी के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि इसके ऊपरी क्षेत्र में जो फ्लड प्लेन मैपिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई है, तो जिला अधिकारी को दिसंबर 2021 में करने को कहा था। आज तिथि तक जिला अधिकारी देहरादून, एमडीडीए, ये लोग कोई जवाब 3-4 साल में माननीय उच्च न्यायालय में डालने में विफल रहे। इन्होंने बिंदाल नदी का भी क्या किया, तो ये तो वर्तमान स्थिति है जो इन लीगल केसेस की है। इसी सवाल के साथ हम रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता का हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवीन पिरशाली जी।
नवीन प्रशाली जी, क्योंकि जिम्मेदारी पर्यावरण को लेकर अगर देखा जाए सरकार की भी उतनी ही बनती है जितनी कि समाज में रह रहे हर व्यक्ति की। और जिस तरीके से अभी जो एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिजय नेगी जी ने बताया कि भाई हर 3 वर्ष में जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई, सर्वे को लेकर भी उन्होंने तमाम अहम बिंदुओं का जिक्र किया अगर आपने सुना होगा। और ये महत्वपूर्ण है, ये जिम्मेदारी किसकी है, और अब अगर चिन्हित किया गया है पुनर्जीवित के लिए इन 5 नदियों को, तो कितनी जिम्मेदारी के साथ इस पर काम किया जाएगा। कि सोनी जी, धामी सरकार उत्तराखंड के हर प्रकार के विकास के लिए कार्य कर रही है, उसमें पर्यावरण भी एक प्रमुख है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार सरकार ने 5 नदियों को उत्तराखंड के, चाहे वो देहरादून टिहरी का हो, पौड़ी हो, नैनीताल हो और चंपावत हो, इनमें जो नदियों को चिन्हित किया गया है पुनर्जीवित करने के लिए, उस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है सरकार। और सरकार का ये मानना है कि जिस प्रकार से विकास कार्य उत्तराखंड में, थोड़ा सा नवीन प्रशाली जी, ये कैसी गंभीरता है कि अभी तक एक रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए थी जो कि अभी तक नहीं सबमिट की गई। खुद हाईकोर्ट के अधिवक्ता इस बात का जिक्र कर रहे हैं, रिपोर्ट अगर सबमिट नहीं की गई तो जिस आवाज और मौसम विभाग के द्वारा भी एयर क्वालिटी चेक की जाती है, अन्य एजेंसी द्वारा एयर क्वालिटी चेक की जाती है, उसका डेटा न्यायालय में क्यों नहीं पहुंचा वो देखने वाली बात है। लेकिन मैं यहाँ पर जो पर्यावरण की बात कर रहा हूँ, समग्र पर्यावरण की बात कर रहे हैं, चाहे वो नदियों को पुनर्जीवित करने की बात हो, चाहे वो वृक्षारोपण हो, तो उसके लिए जल संचय से लेकर और पेड़ लगाने से लेके हर तरह के कार्य का मास्टर प्लान जो सरकार ने बनाया है, उसका रिजल्ट आप देखेंगे कि इन नदियों में एक दिन में तो है नहीं, क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि वो नदियों में 1 महीने में पानी ले आएंगे। लेकिन उस कार्रवाई से, जिस प्रकार से नदियां पुनर्जीवित की जाती हैं और दुनिया भर में नदियां पुनर्जीवित की गई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, तो उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारी सरकार भी आपकी तो सरकार मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगाने की चेष्टा कर रही है वो बिल्कुल निराधार है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार धामी जी के नेतृत्व में बिल्कुल गंभीरता के साथ इस पर कार्य कर रही है। कितनी गंभीरता है ये तो हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी बता चुके हैं, कितनी गंभीर है सरकार, तो गंभीरता का अंदाजा तो लगाया जा सकता है। अब इसमें विपक्ष के अपने अलग आरोप हैं, विपक्ष का भी रुख करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, लेकिन गंभीरता कितनी है। और अब गंभीरता अगर जताई गई है सरकार की तरफ से, लग रहा है कि भाई धामी सरकार जो है अब नदियों को पुनर्जीवित करेगी, लेकिन कर पाएगी क्या, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं फिलहाल इस मुद्दे को लेकर। अब धामी सरकार जो है गंभीर नजर आ रही है, हालांकि इसमें जो कोर्ट में सुनवाई हुई इसके बाद अब राज्य सरकार को जवाब तलब किया गया है, आगे क्या कुछ रहेगा उस पर भी बात होगी, लेकिन ये गंभीरता से क्या नजर आ रहा है। देखिए सोनी जी, भाजपा के प्रवक्ता ने अभी अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आरोप नहीं लगा रही है, माननीय हाईकोर्ट ने सरकार से जो है जवाब मांगा है, और आप जो है जवाब नहीं दे पा रहे हैं लंबे समय से, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कदम ही नहीं उठाए जा रहे हैं। और आपको याद दिला दूं, जब अप्रैल महीने में उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी, उस समय भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया था और राज्य के मुख्य सचिव को जो है तलब किया था, वहां भी जो है ये लेपापोती वाला जवाब देकर के आए हैं। तो सरकार ही अधिकारी और सरकारी जो के जो मंत्री है वो समय पे जागते ही नहीं है। अगर ये समय पे होमवर्क करें, समय पे वास्तव में अगर धरातल पे काम करें तो उसके रिजल्ट दिखाई देंगे। जब वो रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, और रिजल्ट तब दिखाई देंगे जब कोई काम होगा, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर केंद्र द्वारा जो बजट राज्य सरकार को दिया जाता है वो भी जो है खर्च नहीं हुआ, ये बात तो मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये कोई कांग्रेस ने नहीं कही, ना कांग्रेस के किसी नेता ने कही, जो है उस पर भी सरकार जो है हिला हवाली कर रही है। तो इसका सीधा सीधा असर है कि सरकार के पास पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई रोड मैप नहीं है। अब प्रदेश सरकार ने जो है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रदेश की 5 नदियों का को पुनर्जीवित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, अगर 5ों नदियां पुनर्जीवित हो जाती हैं और जो आज जल जल की दिक्कत है, जो आज पर्यावरण का खतरा है, वो निश्चित तौर पर जो है कम होगा। लेकिन 2017
में भी भाजपा की सरकार थी इस राज्य के अंदर, आपको याद होगा सोनी जी, तब जो है इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने रिस्पर्णा नदी जो है जिसका फिर से जिक्र इन पांच नदियों में आया है उसके पुनरुद्धार के लिए बड़े बड़े दावे के बड़े सरकारी अभियान चलाया गया, बड़े तामझाम के साथ चलाया गया, जनता की गाढ़ी कमाई उस अभियान पे खर्च हुई, 2.5 लाख पौधों का जो है रोपण हुआ, लेकिन कहाँ है वो 2.5 लाख पौधे, कितनी जो है रिस्पर्णा नदी जो है पुनर्जीवित हुई, और केवल रिस्पर्णा नहीं कोसी नदी के पुनर्जीवन की बात भी तब उन्होंने की, उसके लिए भी अभियान चलाया गया, लेकिन जो है धरातल पे रिजल्ट देखने के लिए नहीं आए। इस बार अगर सरकार कह रही है तो हम कह रहे हैं कि भाई इसको गंभीरता से जो आप कह रहे हैं उसको धरातल पे उतारने की योजना बनाए, पिछली बार की तरह के अनुभव क्योंकि हमारे बहुत कटु हैं इसलिए सरकार पे भरोसा नहीं हो रहा है, और देखते हैं कि पिछली बार से जो है अलग हटके क्या काम इस बार होता है, और बिल्कुल अगर होता ये देखना होगा। अभी तो फिलहाल कोर्ट का ये मसला है, आगे अभिजय नेगी जी जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा विस्तार से हम इसको लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ है यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, धामी सरकार के नदियों के प्रति जो संवेदनशीलता निकल कर सामने आ रही है पुनर्जीवित करने को लेकर क्या लग रहा है? देखिए सोनी जी, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और भारतीय जनता पार्टी की इन 24 वर्षों में नदियों को लेकर कितनी चिंता है ये अभी इस डिबेट में निकल करके भी आ गया कि पूरे गर्मी में त्राईमाम त्राईमाम पानी के लिए रहा मुख्यमंत्री जी, चुनाव प्रचार में रहे तब तो उन्होंने कभी चिंता नहीं जताई, और अब अगर ये पांच नदियों के पूर्ण जीवनोद्धार के लिए काम करने की बात कर रहे हैं तो फिर जब देहरादून की अस्थायी राजधानी में इनकी दो बड़ी नदियां, चाहे वो बिंदाल को देख लीजिए चाहे रिस्पना का लोग देख लीजिए, और रिस्पना में तो इन्होंने बाकायदा एक प्रोजेक्ट लगाया, उसमें बहुत पैसा खर्च भी किया, पेड़ भी लगाए, जीर्णोद्धार क्या हुआ आपके सामने है। विद्वान वकील हमारे बीच में बैठे हैं नेगी जी, इन्होंने कहा है कि इसी इन्हीं चीजों को लेकर 3 जनहित याचिका लगी है। अजय नारायण की जनहित याचिका वो जो 2021 में लगी थी उसको तो उन्होंने हाईकोर्ट ने जो है पूरे राज्य की जनहित याचिका बना दी थी, और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार हर तीसरे साल रिपोर्ट दे कि वातावरण कितना शुद्ध है, पानी कितना शुद्ध है, और जो लापरवाह अधिकारी हो उस पर कार्रवाई करे सरकार और कोर्ट को रिपोर्ट करे। विद्वान वकील सामने बैठे हैं, सरकार का जवाब अभी तक वहां गया नहीं होगा, क्योंकि जिस राज्य का मुख्यमंत्री राज्य को चलाने से ज्यादा विभागों को चलाने पे ध्यान रखे, 40% कमीशन में ध्यान रखे, फाइलों के नीचे दबकर काम करने को राजनीति समझे, विकास समझे, तो वहां पर मैं पूछना चाहता हूँ सोंग नदी का इन 24 वर्षों में जितना कटान खनन और उसको अशुद्ध किया है भाजपा के शासन काल में या कांग्रेस के शासन काल में, आप बता दीजिए 24 साल में आपने क्या किया? अब आपको पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का भी ध्यान आ रहा है। इस बात के जवाब ले लेते हैं नवीन पेशाली जी, नवीन पेशाली जी इसका जवाब ले लेते हैं कि सरकार के पास अब क्या रोड मैप है और किस रोड मैप के आधार पर इन नदियों को, पांच नदियों को जिन्हें चिन्हित किया गया है, इनका इनको पुनर्जीवित किया जाएगा, किस तरीके से काम होगा और कैसे बता सकते हैं? जी सोनी जी, देखिए सरकार ने जो प्लान बनाया है उस प्लान में बहुत डिटेल में है, लेकिन मैं उसको संक्षिप्त में आपके पास ये रखूंगा कि किसी भी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नदियों की सफाई से लेकर उसके दोनों किनारों पर पेड़ लगाना और मिट्टी का कटाव ना हो, क्योंकि मिट्टी पानी के साथ मिट्टी बहती है तो वो एक तेजी से उसको आगे से बहा के ले जाती है, तो पानी नदी पिए धरती में पानी जाए इस तरह से इंतजाम करना पड़ता है कि जो नदी ऊपर से नीचे तक बह रही है उसका ज्यादा से ज्यादा पानी धरती में ही समा जाए, ताकि धरती में फिर प्रेशर बनता है तो पानी के स्रोत जागते हैं। अगर पानी अगर जमीन के अंदर पानी नहीं होगा और उसका प्रेशर नहीं बनेगा तो स्रोत सूखते जाते हैं, लेवल डाउन होता जाता है। तो हमारा सबसे पहले काम है कि उत्तराखंड के जो जमीनी भाग है उसमें पानी का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए मिक्स फॉरेस्ट को भी एक चुना गया है कि पहाड़ों में बांज, बुरांस और दूसरे प्रकार के पेड़ लगाए जाए जो नमी को पैदा नमी को अपने आप में समाये रखते हैं काफी टाइम तक और पानी के स्रोत को बढ़ाते हैं, तो ऐसे मिक्स फॉरेस्ट की बात हो रही है, और नदियों के दोनों किनारों पर पेड़ लगाने की बात हो रही है, और नदियों के कटाव को रोका जाए, और उसमें जो अतिक्रमण हो रहा है जहां पर कटान हो रहा है, जहां पर अवैध निर्माण हो रहा है, उसको रोकने की बात सरकार कर रही है, और इन सबको लेकर एक मास्टर प्लान सरकार ने बनाया है। उससे पहले तो भाई सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो पेड़ों का कटान होता है उसको भी तो रोकने की कवायद की जानी चाहिए सरकार की तरफ से।
लगाना तो सुनिए बिल्कुल, चाहिए। आप ये देखिए कि विकास भी जरूरी है। विकास अगर कोई रोड नैरो रोड है, उसके दोनों तरफ पेड़ हैं, उसको चौड़ा करने की अगर बात आती है तो उसको चौड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या यहाँ पर यह है जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, आप पूरे भारतवर्ष में अगर मैं देखूं तो आप हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया बन रहा है। 2.5 करोड़ की जनता, 3 करोड़ की जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, इस तीव्रता से बढ़ रही है। अगर इस पर रोक लगाने की भी सरकार को जरूरत है, मैं यहाँ पर यह कहना चाह रहा हूँ, और सरकार इस पर कुछ करेगी। अगर उसको नहीं रोका गया तो ये दिन रात बढ़ता रहेगा। जब चौड़ीकरण होता है तो पेड़ काटने पड़ेंगे, लेकिन हम उसकी भरपाई दूसरी जगह कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन दूसरी जगह भरपाई भी उसकी होनी चाहिए, उतने ही पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए ताकि पर्यावरण जो है वो थोड़ा सा सुरक्षित और संरक्षित हो सके। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक नहीं दो चार ये बोले नाटक देखो। ब्रिक्स से वापस आ रहे हैं, लगातार चर्चा की 5 नदियों को अब चिन्हित कर उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। इसको लेकर सरकार का रोड मैप आगे क्या होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जो फैसला निकलकर सामने आया, इसमें राज्य सरकार को जवाब तलब किया गया है। अब राज्य सरकार की तरफ से क्या रिपोर्ट सबमिट की जाती है, क्या कुछ बिंदुओं को शुमार किया जाता है, ये देखना होगा। हमारे साथ अभिजय नेगी जी, अधिवक्ता, हाईकोर्ट के जुड़े हुए हैं। अधिवक्ता अभिजय नेगी जी, देखा जाए तो नवीन प्रशाली को आप सुन रहे होंगे, आपने कहा कि भाई दायरा बढ़ाया जाए, साथ ही जो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है, इसकी कोई तय समय सीमा? जी देखिए, जो समय सीमा हाईकोर्ट ने नवंबर 21 में तय करी थी वो यह थी 3 साल में एक बार, यानी कि प्रथम डिटेल्ड सर्वे ऑफ ऑल अर्बन एरियाज, सभी शहरी क्षेत्रों का एक विस्तृत सर्वे एक बार हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, इट शुड हैव बीन कैरिड आउट। दूसरी चीज सर ये है इसमें कि जो अभी ऑर्डर दिया गया है उसमें 4 वीक्स में इनको अपना जो विस्तृत सर्वे रिपोर्ट है, पहली विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, वो पेश करनी है। तो देखिए, इसमें ये पॉइंट आता है कि इवन दो गवर्नमेंट 5 और नदियों को अगर इसमें शामिल कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जिन 2 नदियों से गवर्नमेंट ने पहले शुरुआत की थी, रिस्पना रिवर एंड कोसी रिवर, उनकी रिजुविनेशन का क्या स्टेटस है, हम कहां तक पहुंचे हैं। ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, ये नीतिगत सवाल है, ताकि अगर हमें कुछ चैलेंजेस हैं तो हम उसके आगे बढ़ पाएं। और देखिए, हाईकोर्ट ने ये भी एक्सपेक्ट किया है गवर्नमेंट से कि जो बिंदाल नदी की फ्लड प्लेन जोन मैपिंग है, जो रीनू पॉल जी की जनहित याचिका में 22 दिसंबर 2021 का आदेश है, वो फ्लड प्लेन इन्होंने कितने मैप करे हैं अभी तक, क्योंकि 22 दिसंबर 2021 से आज हम बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं फाइल किया है। देखिए, न्यायिक प्रणाली में क्या होता है, कई बार हाईकोर्ट में भी 50,000 केसों की पेंडेंसी है, बिल्कुल, तो मुश्किल हो जाता है बार बार सुनवाई पर लाना, लेकिन आमतौर पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि मुख्य जनहित मुद्दों पर सरकार प्रभावी पैरवी करेगी, अपनी ओर से शपथ पत्र समय पर लाएगी ताकि निर्णय आ सके। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जवाबदेही मुख्य सचिव महोदया की, मुख्य सचिव की भूमिका, और साथ ही जैसा कि अभी प्रशाली जी भी कह रहे थे कि भाई न्यायालय में ये रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की गई, इसको लेकर थोड़ा सा जो इनका जवाब निकलकर सामने आया, तो राज्य सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। बिल्कुल, कहा जा सकता है उनको अपनी, चलिए पैरवी के एक अलग एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट तो सार्वजनिक होनी चाहिए। हमने जोशीमठ वाले केस में भी देखा था कि जो पूरा रिपोर्ट्स आ रही थी उसको कई बार जो हमारी नौकरशाही है वो अपने बंद कमरों में रखती है, ये लोग ना पढ़ पाए। ऐसी सारी जानकारियां सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि आप और मैं इस पर चर्चा कर सके, अपने सुझाव दे सके। तो इनको ना बनाना, इनके ऊपर काम ना करना, देखिए देहरादून ने 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखा है, अपने आप में ही दिखाता है कि हाईकोर्ट का जो आदेश था वो कितना दूरदृष्टि का आदेश था। उन्होंने नवंबर 21 में कहा था, शायद इस टेम्परेचर को देखते हुए ही इसको संज्ञान में लाया गया है, इसको लेकर इतनी तत्परता नजर आ रही है अब। जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्य सचिव महोदया इस पे अपना, जो उनको कहा गया है सर्वे ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व करके, ये भी नहीं कि कोई प्राइवेट एजेंसी को आप ले आए, जो देश की सबसे इंपॉर्टेंट सर्वे एजेंसी है सर्वे ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व करके हाईकोर्ट ने कहा था आप दून घाटी के लिए, सारे अर्बन सेंटर्स के लिए ऐसे सर्वे कराए कि यहाँ पर हो क्या रहा है पर्यावरण का,
एयर क्वालिटी का, वाटर क्वालिटी का, केवल देखिए घंटाघर में एक बोर्ड लगाना एयर क्वालिटी का निवारण नहीं हुआ, उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन क्या है सारे शहरों में, सारे छोटे शहरों में, बल्कि इसका दायरा तो गाँव में भी जाना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ आशीष गर्ग जी भी जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष गर्ग जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि अब जो गंभीरता है जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर नजर आ रही है धामी सरकार की, क्या लगता है इसको लेकर अब वाकई पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित किया जाएगा? हालांकि अभी रिपोर्ट जो है वो जवाब तलब किया है कोर्ट ने और समय सीमा भी दी है कि 4 हफ्तों में ये जवाब, ये रिपोर्ट जो है सबमिट करनी होगी, लेकिन पर्यावरण कैसे सुरक्षित होगा, कैसे संरक्षित होगा? मेरा सभी वक्ताओं को नमन। देखिए ये मैं अभी सब सुन रहा था और सब मैंने विचार सुने और हमारे माननीय अधिवक्ता नेगी जी के भी विचार मैंने सुने। तो देखिए ये जो बात आप कह रही हैं कि पर्यावरण के बारे में आज ये जो कल हमको आदेश मिला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्डर है। और मेरे ख्याल से ये ऑर्डर जो आया है इससे पहले ही सरकार को, क्योंकि ये 2021 में इस पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई थी और मैं तो कहूँगा 2021 से भी काफ़ी पहले जाकर, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज की जो हमारी कंडीशन डेवलप होने लगी थी और देहरादून में जो राजधानी के बनने के बाद से जो ग्रीनरी का खनन चलता रहा और खनन वगैरह ये सब दुनिया भर की यहाँ पर चीज़ें चलती रही, पहाड़ कटते रहे, तो ये तो हमको शायद 2005-07 से ये ऑटोमेटिकली हमारे जो प्रोसेस में होना था कि एवरी ईयर, मतलब चाहे सर्वे ऑफ इंडिया से जैसे इस रिपोर्ट में आया है सर्वे ऑफ इंडिया, या हम कोई एक कोई ऑथेंटिक एजेंसी जो है जो इसमें त्वरित रूप से काम कर सके उसको भी एंगेज करके ये मॉनिटरिंग जो है हमारी इन्वायरमेंट की या हमारे अर्बन बॉडीज की, वाटर बॉडीज की, रिवर्स की, पहाड़ों की, इनको तो एक कंटिन्यूस रूप से ही मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। क्योंकि जो अभी बात हुई और अभी हमने एक बड़ा संडे को एक बहुत बड़ा यहाँ पर देहरादून में जनता का आक्रोश देखा, जो ना केवल पेड़ों के कटने से बल्कि हमारी हर तरीके की जो एनवायरनमेंट का हर तरीके से जो हम उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें सरकार का दोष तो है ही साथ ही, और कोई अकेली इस प्रेजेंट सरकार का नहीं, जो पिछली सरकार है उनका भी दोष है और साथ में पब्लिक का भी बहुत बड़ा दोष रहा। हम लोग भी इसमें बड़े जिसे कह सकते हैं कि निष्क्रिय रहे, लेकिन अब ये है कि ये सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है। हमारे पास जो, जैसे मैं पिछली डिबेट भी हुई थी, हमारे पास जो विंडो है इसको करेक्ट करने की, जो ये इतने गंभीर चेंजेस आते जा रहे हैं, हमारे पास बहुत कम विंडो है इसको ठीक करने की, नहीं तो ये हम एक इरिवर्सिबल मोड में चले जाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो कल का एक ऑर्डर आया है, एक ये बहुत बड़ा मतलब एक कदम है और हमको जो हुआ इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भूल जाएं, इससे हमें सबक लेके, लर्निंग लेके, अपने फेलियर से सबक लेके अब हमें इसे बहुत तेजी से इस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 4 हफ्ते का टाइम तो दिया है, ये तो देखिए फिर कोई कोर्ट की प्रक्रिया होती है, लेकिन मुझे लगता है इस पर आज से ही लगकर हमको कम से कम जो ये जो एक रैकलेस जिसे कह सकते हैं सहजधारा की बात से मुझे लगता है ये शुरू हुआ था। सहजधारा में आप आज जाके देखिए, वहाँ पे स्थिति बिल्कुल बाहर निकल चुकी है हाथ से, अराजकता है और अभी भी कंस्ट्रक्शन रुक नहीं रही है। आप, हम यहाँ पे बैठे हैं और अभी अभी आप देख सकते हैं कि पहाड़ों को काट के मतलब समतल किया जा रहा है, बड़े बड़े मतलब स्ट्रक्चर आ रहे हैं। जी का कहना है कि भाई विकास भी जरूरी है, लेकिन इस तरीके से विकास होगा, हम कोई जितने यहाँ पे बैठे हैं कोई विकास का विरोधी नहीं है। जैसे नवीन जी ने कहा कि ये जो रोड को चौड़ा करने के लिए हमको पेड़ काटने पड़ेंगे, मैं ये नहीं मानता। मेरे साथ अभिवक्ता, माननीय अभिवक्ता नेगी जी भी बैठे हैं, हम दोनों ने पेट्रोल कितना जो है गोपनीय तरीके से काम हो रहा है कि किसी को भी हवा नहीं लग रही उसके तरीके से, ये काम ही नहीं कर रहे हैं। और हम कह चुके हैं सोनी जी कि 5 नदियों के पुनरुद्धार की बात, जल संरक्षण की बात सरकार कर रही है। पहले आप ऋषिपर्णा नदी, जो रिस्पना नदी है जिसे इन्होंने रिस्पर्णा नदी कहा, और कोसी नदी जिस पर सरकार ने जनता का धन जो है बर्बाद किया है, उस पर सरकार ने पहल किया, सरकार ने उस पर कार्य किया, आपको देखना होगा। सरकार पहल कर रही है, सरकार कार्य कर रही है। अगर ऋषिपर्णा नदी पर भी किया तो हमने किया, आपकी सरकार ने कहीं किया। प्रश्नताओं की परेशानी है सोनी जी, जहाँ पर बात आएगी तो आप ये नहीं कि आप अगर कुछ भी बोल देंगे, आप ऐसा भी नहीं होगा कि आप कुछ भी बोलते रहे। और हम सुनते रहे, सुन लीजिए पहले
सुन लीजिए, कितने पेड़ लगाए गए, कितने पेड़ जो है जीवित है, तो और कितना जो है वहां पर देखिए वहां रिपोर्ट लगाया, कभी गया कभी पढ़ना नदी के किनारे, ठीक है प्रशांत जी, प्रशांत जी बात करिए, आपने कभी उस नदी का जायजा नहीं लिया है, तो ये भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करते हैं और धड़ल्ले से करते हैं, ऑफिस में कार्यालय में बैठ के जो वक्तव्य दे रहे हैं उसका कभी जमीन इस तरह वीडियो बनाई जाएगी। चलिए शीशपाल जी, शीशपाल जी, प्रशाली जी ने एक बात और कही कि भाई जो कांग्रेस ने किया उसकी भी भरपाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उन खामियों को भी सुधारने का प्रयास कर रही है जो छेड़छाड़ कांग्रेस के द्वारा की गई। शीशपाल जी इस बात का भी जिक्र किया प्रशाली जी ने। मैं शीशपाल मिश्र जी बीच में बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया उसमें। जी आपका रुख करेंगे तो आप बोलिएगा, शीशपाल जी का रुख क्या है? जी देखिए सोनी जी, मैं हम कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड है, हम यही तो कह रहे हैं कि जनता की गाड़ी कमाई आप जो है जल संरक्षण के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जो है लगातार लुटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? और ये केवल कांग्रेस के सवाल नहीं है, ये पर्यावरण विदों के सवाल नहीं है। क्या रहेगी पर्यावरण संरक्षण के लिए विपक्ष की क्या सहभागिता रहेगी, सुझाव क्या रहेगा? तो मतलब है धरातल पे काम नहीं हो रहा ना सोनी जी, तो ये चीजें हैं। सरकार कब गंभीर दिखेगी? आप देखिए कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई थी, 1,500 एकड़ से ज्यादा जंगल धू धू करके जल गए, कितना पौधारोपण वृक्षारोपण हुआ जो बड़े वृक्ष सबके सब जो है जल गए, और वन मंत्री कब लौटे आप देखिए, जब उत्तराखंड के जंगलों की आग बुझ गई इंद्रदेव की कृपा से। तो ये इतने गंभीर है, इनकी ब्यूरोक्रेसी एसी कमरों से बाहर नहीं निकलती, इनके मंत्री एसी कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। अगर धरातल पे उतरेंगे, सटीक जानकारी के साथ अगर रोड मैप बनाएंगे, काम करेंगे, यही बात भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लिए बोलती है। यूकेडी प्रवक्ता का रुख करेंगे शांति प्रसाद जी का। शांति प्रसाद जी क्या लगता है, अब धामी सरकार का ये जो गंभीरता है ये कुछ सार्थक होगी, अतिक्रमण और खनन को लेकर भी, और साथ ही यूकेडी की सहभागिता क्या रहेगी पर्यावरण संरक्षण को लेकर? देखिए सोनी जी, सुनने में तो अच्छा लगता है, अगर सरकार जल संवर्धन पर बात कर रही है, नदियों के जीर्णोद्धार की बात कर रही है, तो कौन राज्य का नागरिक कहेगा कि गलत है? मगर हम विपक्षी होने के नाते हमारा एक कुछ फर्ज होता है सरकार को उस ओर ध्यान आकर्षित कराना जो सरकार ने वादे किए। हम सरकार से यही तो कह रहे हैं कि ऋषि अपर्णा नदी का क्या हुआ, बिंदाल का क्या हुआ, और अगर आप उत्तर देहरादून जो अस्थायी राजधानी है, यहाँ लोगों के घरों में पानी नसीब नहीं हो रहा, जमीन का जल स्तर जो है घट गया, हम ये सवाल ना करें क्या? अगर हम सवाल करते हैं तो इन ये जो है इनको परेशानी होती है। अब आप ये बताइए, यहाँ पर हम तो चलो राजनीतिक लोग हैं, विद्वान वकील बैठ के कह रहे हैं कि 2021 में जो जनहित याचिका जैन और नारायण जी की, नारायण शर्मा की लगी थी, उसमें तो शांति प्रसाद जी आपका योगदान पूछ रहे कि क्या योगदान आपका पर्यावरण में रहेगा? हम सब चाहते हैं हमारा उत्तराखंड महान हो, लेकिन हमारा क्या योगदान हो उसमें, ये तो चर्चा होनी चाहिए। तो अब बताइए, हाईकोर्ट के वकील भी सवाल खड़े कर रहे। चलिए शांति प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी जो है अकेले इतनी सक्षम नहीं है, विपक्षियों का भी सहयोग चाहिए, क्या सहयोग रहेगा क्षेत्रीय पार्टी का? पूछ रहे हैं आप, बता दीजिए, आपने इन्वेस्टर सीमेंट किया था 3,00,000 करोड़ से, पता नहीं कितने हजार करोड़ की बात हुई थी, 300 करोड़ रुपए देहरादून में खर्च किए, 3 रुपए का यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो हम सवाल खड़े ना करें? अरे 1,00,000 करोड़ रुपया ग्राउंड पर उतार दिया गया है, बरसात में पानी की चिंता कर रहे हो, का सबसे फास्ट काम हुआ है, उठाकर आप क्या कहोगे कि ये धामी जी ने बरसात करवाई? ये ऐसे जुमलेबाज पार्टी है कि इनके पास कोई कार्य योजना बबताने की नहीं है। मैं कह रहा हूँ 10 साल में आप बता दीजिए घोटाले के अलावा क्या किया आपने, आपके मंत्री जो हैं सिर्फ घोटालों में संलिप्त रहे। शांति प्रसाद वर्दी, सरकार को 1 घंटा भाषण आपका हो सकता है इस चीज पर, आपसे पूछा गया कि यूकेडी का पर्यावरण में क्या योगदान रहेगा, उस पर फोकस रहिए जो पूछा गया। आशीष गर्ग जी का रुख कर लेते हैं, ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है अपनी सहभागिता जरूर बताइएगा कि आखिर क्षेत्रीय पार्टी का क्या सहभागिता यहाँ पर रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं है अकेले की पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित कर पाए, जिस तरीके से प्रशाली जी के जवाब निकलकर सामने आ रहे हैं। आशीष गर्ग जी का रुख करेंगे, इसके बाद अभिजय नेगी जी का करेंगे। आशीष गर्ग जी, क्योंकि पर्यावरण को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक दल आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि इन आरोपों और प्रत्यारोपों से तो पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित नहीं होने वाला, जिस तरीके से स्थितियां जो अभी उत्तराखंड की हैं, भौगोलिक जो स्थिति है उसे भी समझना होगा, और ये कैसे संभव होगा?
आशीष गर्ग जी। देखिए मैं हम राजनीतिक पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं इसमें हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे रिस्पना की बात अभी चल रही थी तो यहाँ जो मेरे साथ माननीय नेगी जी अभिवक्ता बैठे हैं, इनके इनका जो एक दूसरी तरफ से एक बहुत अच्छा ये इनका एक एनजीओ है जो अच्छा काम करता है, जिसने एक दशक पहले रिस्पना के बारे में बड़ी अच्छी अवेयरनेस कर दी थी और जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को एंगेज करके इसको नमामि जो गंगा का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी ले आए थे। तो ये अवेयरनेस तो देखिए हो चुकी थी और मैं आपको कुछ इसके बारे में जी। तो इसमें कुछ दिखाऊं, यदि आपको कुछ फोटोग्राफ भी दिखा सकता हूं जी। लेकिन 10 साल तक इसके बारे में कुछ विशेष हुआ नहीं। ये देखिए आप चाहें देखना चाहें तो नदी बिल्कुल तो नदी की स्थिति है आपके सामने। तो इसमें हमारा भी जो एनजीओ है एक इको ग्रुप सोसाइटी है, तो देखिये प्रयास अच्छे हुए लेकिन उसके बावजूद नदी का ये हाल था। 29 फरवरी में करीब ये हाल था इसका नदी का। तो और इसमें मैं आपको कई फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं टन्स के हिसाब से इसमें सॉलिड वेस्ट पड़ा है, सीवर इसमें अभी भी डल रहा है बिल्कुल। और साथ ही साथ कोई ग्रीनरी का इस नदी के इस पैच में नामो निशान नहीं है। जो नवीन जी ने बात बताई इसमें कोई शक नहीं कि एक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम में इसमें ग्रीनरी लगाने का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट हुआ था, लेकिन ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि उसमें से अधिकांश पेड़ नहीं बचे। कुछ मोथरा वाला नीचे जाके थोड़े पेड़ बचे हैं बट ज्यादातर पेड़ बचे नहीं है। तो मेरा पॉइंट केवल कहने का यह है कि देखिए नदियों को यदि हमें सिंसियरली जीवित करना है, पुनर्जीवित करना है, तो इस पे हमको बहुत अच्छे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब हमारे कुछ जो हमने प्रयास इसमें शुरू किए हैं तो इसके बाद इसमें जो जेसीबी की जो उतारी गई है और अभी कभी रोज 6 टन कूड़ा इसमें नदी से निकल रहा है और साथ ही साथ अब सीवर को भी बंद करने के इसमें कई अच्छे प्रयास शुरू हुए हैं और मुझे लगता है ये मानसून का जो एक पीरियड आ रहा है इसमें हमको ग्रीनरी भी इसमें लगा देनी चाहिए बिल्कुल। तो जो ये बात हो रही है कि पौधा रोपण इसी सीजन में होता है, अभी देखिए उसी हालत में है, इसी सीजन में मानसून में हो जाना चाहिए। तो मैं देखिए मैं किसी की बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सबकी विलिंगनेस है लेकिन ग्राउंड पे जब तक नहीं दिखेगा ठीक है। क्योंकि माफी के साथ आपको समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए KNews India।